हैप्पी बर्थडे टू यू भाईजान, हैप्पी बर्थडे टू यू भाईजान। दोस्तों सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल दिल्ली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। आज एक बहुत ही खास दिन है जो कि है भाईजान सलमान खान का बर्थडे। रेडी केक या फिर भाईजान टाइगर, ये ऐसी वो फिल्में हैं उनकी जो कि हमें कभी हंसाती हैं कभी रुलाती हैं। आज दिल्ली खजाना की टीम भाईजान सलमान खान का स्वागत करेगी, उनके बर्थडे को विश करेगी और साथ ही साथ हमारी तरफ से एक छोटा सा सेलिब्रेशन। कम ऑन टीम, आ जाओ, ये हैप्पी बर्थडे। अब हम एक काम करेंगे, गाना गाते गाते भाई के लिए केक काटेंगे और उसके बाद सब आप लोगों का एक फीडबैक और एक ऐसा मैसेज जो कि सीधा भाई के पास जाएगा, ठीक है? आर यू गाइस एक्साइटेड? यस यस। चलो जी, अब सब हाथ लगाएंगे हम। आइए जय भाई, आइए अटिंगा सब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सलमान सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सलमान सर, ये दिल्ली खजाना की टीम की तरफ से आपके लिए, और आप इसी तरीके से हमें एंटरटेनमेंट का डोज देते रहें, इसी तरीके से हमें और बॉलीवुड को अच्छी अच्छी फिल्में दिखाते रहें और यू साल भर साल बिग बॉस भी करते रहें, सबसे बड़ी बात। तो ये आपके लिए सलमान सर के लिए केक, तो मैं सबसे पहले जय भाई को खिलाता हूँ। जय भाई क्योंकि जहां उन्हें पठान में देखेंगे वहीं साथ ही साथ किसी का भाई किसी की जान जो कि ईद में रिलीज हो रही है, शहनाज गिल उसमें है, सबसे पहले उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं मैं। और साथ ही साथ उनकी टाइगर 3 भी रिलीज होना हो रही है। सो एक एक करके मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि उनकी सबसे बेस्ट फिल्म जो आपने देखी 2023 भाई के लिए बहुत अच्छा ऑस्पिशियस होने वाला है, जहाँ पे उनकी 3 फिल्में आएगी टेक्निकली देखा जाए तो। एक तो है आपका किसी का भाई किसी की जान, दूसरी है टाइगर 3 और पठान में उनका छोटा सा कैमियो है। अच्छा, मैं तो सलमान साहब का क्यों फैन बना, किस लिए बना, ये तो मैं बताऊंगा ही साथ ही साथ। अभी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कोई ऐसी स्पेशल फिल्म जो कि आपको उनकी बहुत अच्छी लगी, और कोई ऐसी मेमोरी या कुछ, जैसे शूट पे जाते रहते हो कभी आपने देखा उनसे इंटरेक्ट किया, तो अरुणा सबसे पहले आपसे जानता हूँ मैं। सलमान मेरे फेवरेट थे जब उनका मूवी आया था हम आपके हैं कौन, जो कि बहुत फैमिली टाइप मूवी बनाया था ये, और वो टाइम पे मैं छोटी भी थी और मुझे वो मेरे फैमिली जब मूवी देखते थे वो टाइम पे मैं देखना शुरू किया था वो फिल्म। तो एक दो बार मैंने देखा, तीसरे बार से तो मैंने सलमान के लिए ही देखना शुरू किया क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे इतनी अच्छी लगी, तो इट वाज लाइक कि यार अभी जो भी मूवी आएगा इनके एक्टिंग के लिए ही मुझे देखना। दीदी तेरा देवर दीवाना, क्या बात है, क्या बात है। वैसे बाय द वे उस फिल्म के अंदर बहुत सारे गाने थे, मतलब तो उसमें से कौन सा आपको बेस्ट लगा था? वही भाई दीदी तेरा देवर, वो मारने वाला सीन, बचपन से नॉटी थे वो। अच्छा, अभी 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 अगर मैं बात करूँ, टाइगर 3 है जिसका हमने एक टीजर भी देख लिया है, पठान में उनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, भाईजान है, तो क्या कहना। अरे 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 अरे, अरे ये नीचे देखो, केक गायब हो गया। गायब? केक गायब? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है? सलमान तो आए नहीं ना यहाँ पे लेने के लिए केक। नहीं, किसे लिए? केक गायब हो गया भाई साहब। हमारे ऑफिस में बुक्कड़ों की फौज है भाई साहब, मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी फौज है, और बहुत आने वाले टाइम में इनको मिलाना भी पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। पहले चेक करते यहाँ पर कौन नहीं है, कौन है, सारे लोग कहाँ पता करोगे? अरे मैं समझ गया, मैं बताता हूँ अभी कौन कौन ले, कौन भुक्कड़ लेकर गया, मैं बताता हूँ, बस बने रहो, रुक जाओ। अडिगा जी, हाँ इसी वीडियो में बताऊंगा। अडिगा जी, क्या लगता है आपको, कौन सी फिल्म देखकर आप फैन हो गए थे, और प्लस कोई ऐसी फिल्म जो आपको बहुत पसंद है, कोई ऐसा इंसिडेंट? जैसे उन्होंने बोला हम आपके हैं कौन, तो मुझे भी सलमान सर ना सिर्फ बजरंगी भाईजान, वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये हुड़हुड़ दबंग से ज्यादा सलमान सर के ऊपर ये सॉफ्ट एंड स्वीट रोल ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें लोगों को फाइटिंग वाले सलमान सर पसंद है लेकिन मुझे प्यार और मोहब्बत वाले सलमान सर पसंद है। ऑल्सो मैं वीकेंड के वार की वजह से बिग बॉस देखती हूँ क्योंकि सलमान सर आते हैं।
सो बहुत ऑब्वियस हो जाता है ना. आई वॉन्ट सलमान सर ये शो करते ही रहे और हमें ऐसी कोई न्यूज सुनने को ना आए कि वो अब शो होस्ट नहीं करने वाले. सो प्लीज आप ये शो होस्ट करते रहिए. वेरी नाइस है, वेरी नाइस. आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ये बोल रही थी सलमान के ऊपर हर एक जॉनर सूट करता है. फाइटिंग जैसे इन्होंने कहा कि फाइटिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो उसी तरह से कॉमेडी भी बहुत अच्छे से करते हैं. उनका एक अंदाज अपना अपना, प्लस मुझसे शादी करोगी, क्या मुझसे शादी करोगी, उसमें भी जो अक्षय कुमार के साथ है, तो वो कॉमेडी रोल भी बहुत अच्छे से करते हैं. तो हर एक जॉनर उन पे सूट करता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. जय भाई, अब आपकी बारी. इन लोगों को तो फिल्मी रीजनों से पसंद है. अभी बिग बॉस की जब बात चल रही थी, हमारी भी डिस्कशन हो रही थी, मुझे ये कहना है कि बिग बॉस में सिर्फ कंटेस्टेंट की पर्सनालिटी नहीं, होस्ट की भी पर्सनालिटी दिखती है. ये खास बात है उस शो की. जिस तरीके से सलमान खान आते हैं शो में और जिस तरीके से लोगों को समझाते हैं, जैसे एमसी वगैरह को समझाया था कि गाली में डैश डैश कितना गंदा चीज लगता है, क्योंकि हम जोश जोश में बोल जाते हैं गालियाँ हमारी निजी जिंदगी में भी, पर वो अच्छी नहीं लगती है, वो दिखने में भी सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है. वो रियलाइज करवाना, और फिर वो जिसको रियलाइज हो जाता है वो रिपीट भी नहीं करता है. और जिस तरीके से हमने सीजन 13 में भी देखा था, जिस तरीके से रुक रुक के समझाना, तो वो उनकी असली पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट करता है. और उनका जो बीइंग ह्यूमन का जो काम है वो तो हम भूल नहीं सकते. मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने वहाँ से मदद ली और उनको मिली भी है, और बहुत उनका ठीक भी हो गया है जो भी प्रॉब्लम था वगैरह सब. तो मैं उस चीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. उनकी फेवरेट फिल्म, उनकी बहुत अच्छी, हाँ उनकी फेवरेट फिल्मों में से है ना, जैसे तो सभी अच्छी हैं. उनके गानों में तो मेरे को ओ जाने जाना, वो तो मेरा सबसे वो तो आइकॉनिक सॉन्ग है. करेक्ट. और बाय द वे जय भाई की बॉडी भी वैसी है, अभी थोड़ी सी देर में मैं रिवील करूंगा, ठीक है? अरुणा पता ना? ओके, इन सब चीजों के बीच में आप लोगों को बता दूं, तो वो भुक्कड़ कौन है ना, ये है वो भुक्कड़, ये है, इसने पूरा केक खत्म कर दिया. ये है, 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 क्या कैंडल बची है? कैंडल बची है, जो भी है, लेकिन है, आई गेस वो हार्ट बची है जो केक के ऊपर था, वो मुझे लगा है, है बहुत कुछ है. हां विभांशु भाई, इनसे आप ये पूछो ना केक कैसा था. हाँ वही, केक बहुत बढ़िया था. लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने साजिश की थी मेरे खिलाफ कि इसको चॉकलेट नहीं पसंद है तो चॉकलेट मंगाओ, लेकिन इनको पता नहीं मुझे सब पसंद है. बड़ा खत्म कर दिया आपने वो. अच्छा विभांशु भाई, जनता बहुत कम आपको जानती है, पहले तो स्वागत है आपका एक बार फिर से. और साथ ही साथ क्या व्यू पॉइंट है आपका, सलमान साहब का बर्थडे है आज, इतना खुशी का दिन है, आप उनकी फिल्में, उनकी बातें, बिग बॉस की होस्टिंग ले लीजिए या फिर उनकी रियल लाइफ ले लीजिए, कितना आप उनसे कनेक्ट करते हैं या फिर कह सकते हैं कि कितना आप उनसे रिलेट करते हैं? उसकी मैं सलमान खान के ऊपर आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले हम सब एक उनको मेरी तरफ से विश दे देते हैं, हैप्पी बर्थडे सलमान भाई. देखिए सलमान खान इस वक्त 50 कप के प्लस हो चुके हैं, ठीक है. अब ये देखो कि सलमान खान हमारे टाइम पे उन्होंने अपना करियर शुरू किया, जब हम बच्चे थे तो वो हम उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, लेकिन जो चीज दौर उन्होंने देखा है, कोर्ट के दो दो तीन तीन केसेस, राइट, ठीक है, इन सारी चीजों के बीच भी वो एक स्टेबल रहे, हमको एंटरटेन करते रहे, कुछ अच्छी फिल्में दी, जैसे कि अभी बात कर लो तेरे नाम में जो उन्होंने हेयर स्टाइल दी, सब जगह लोगों ने बहुत फॉलो किया, सब चीजें फॉलो की, तो उन्होंने वो चीज को है ना लोगों को रियल लाइफ में दी. अब मैं दूसरी बात करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने अपने उभरे हुए हैं, उबारा अपने आप को, जैसे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, वो वीर हो गया, ट्यूबलाइट, तो हमने देखा कि ये चीजों से लोग उभर नहीं पाते. अभी हम आमिर खान का आपको एग्जांपल दूंगा, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक फिल्म आई थी थग ऑफ हिंदुस्तान, फ्लॉप हुई, लाल सिंह चड्ढा वो हिट नहीं दे पा रहे, सेम शाहरुख खान के साथ हो रहा है बैक टू बैक, लेकिन उन्होंने जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो बॉडीगार्ड हिट दे दिया, केक हिट दे दिया, अभी ट्यूबलाइट जब भी फ्लॉप हुई तो दबंग, रेस, रेस, बहुत सारी चीजें. अब रेस लोग ऐसी फिल्में बोलते हैं देखने लायक नहीं है, स्टोरी नहीं, लेकिन सलमान खान के लोगों ने देखा, तो सलमान खान ने वो चीज साबित की है कि अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो वो बोलते हैं ना कि मैं शेर दो कदम पीछे लेता है, तो वो टाइगर तो है ही है, तो दो कदम तो उन्होंने एकदम जबरदस्त बॉलीवुड पे पंजा मारा. अब मैं आपको बताता हूँ साउथ और ये जो फाइट हो रही है, बट तो अगर मैं देखूं तो वो हिंदी के साइड से उन्होंने ही संभाल के रखा है. अब उनकी इस तीन, आप ही ने बोला तीन प्रोजेक्ट आ रही है, टाइगर जिंदा है, किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें लेके आई,
बहुत सारी चीजें दी एंटरटेनमेंट के साथ भी, वो बिग बॉस कर रहे हैं, सबको एक एंटरटेनमेंट का डोज दे रहे हैं, वो सबको बता रहे हैं क्या सही है गलत है। तो उन्होंने देखो उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हुए यहाँ पे है ना लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, बॉलीवुड के लिए बहुत कुछ किया है। जो सलमान खान, क्यों सलमान खान कहे जाते हैं, इसका उन्होंने जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान अब आज वो अपना बर्थडे मना रहे हैं आज के दिन, लोग उनके आज देख लो, आज अब घर के बाहर ही देखे उनके कितनी भीड़ थी। आप अभी खैर इस इंटरव्यू के बाद आप जाने वाले हो सलमान खान से, शायद मुलाकात हो आपकी, तो वो सारी चीजें है ना आपको वहां पे दिखाई देती है। सलमान खान किस लिए सलमान खान कहे जाते हैं, दबंग बोला जाता है उनको, भाईजान बोला जाता है, तो ये सारी चीजें है ना कहीं देखी जाती है। और यही है कि आज का युद्ध, देखो एक चीज होती है, जैसे मैं कुछ बताता हूँ कि आज का युद्ध वरुण धवन ये सब युद्ध, लेकिन आज जो बच्चे हैं वो भी सलमान खान को उतना ही प्यार करते हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई है लगातार। क्यों? क्योंकि उनका जो एक स्टाइल है, देखो सलमान खान की मैं बताऊं, हमने उनको फॉलो किया है कई बार, तो वो भड़क जाते हैं, तो लोगों को लगता है ये कैसा एक्टर है, क्यों है, लेकिन वो एक आपकी पर्सनल लाइफ है। मैं अगर आपकी पर्सनल रोज आपको पिन करूं, रोज आपके पीछे फोन, एक दिन आपको अच्छा लगेगा, दो दिन अच्छा लगेगा, लेकिन वो बार बार किया जाएगा तो आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाओगे। तो लोग वो समझ नहीं पाते, भाई वो सेलिब्रिटी है। अब सलमान खान ही कहते हैं मैं ऐसा खुजा रहा हूं और मेरी फोटो डाल दो, आप बर्दाश्त करोगे क्या? सलमान खान को ये सारे, तो देखो सलमान खान जो बोलते हैं उनको पहला समझो, क्योंकि हम किसी एक्टर है आपके वो है, तो वो पर्सनल लाइफ में आप इतना भी नहीं घुस सकते कि क्या चल रहा है। तो खैर यही सारी चीजें थी जो सलमान खान को सलमान खान बनाती है। खैर मैंने समय बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन आप बताओ मुझे इसलिए सलमान खान कहे जाते हैं, और मैं उन्हें एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे भाई जाए, और इसी तरीके से आप हम सबको एंटरटेन करते रहे। लव यू सलमान भाई, लव यू सलमान भाई, ये आपकी चीज। ओके तो दोस्तों रिपोर्टर बाहर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का सेलिब्रेशन है आज दिल्ली खजाना में, और हम उम्मीद करते हैं हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहें भाईजान सलमान खान से लेकर तमाम बड़े बड़े एक्टर्स का इस तरीके से जो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। आप बस बने रहिए, एंटरटेनमेंट का डोज तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ हम आपको इस तरीके के छोटे छोटे फन सेगमेंट्स भी दिखाते रहेंगे। और हाँ, आए हो तो केक खा के जाना, जय भाई केक भिजवा देना सब। बचा भी है क्या केक? केक बचा है? केक बचा है। आप कमेंट करो, कमेंट करो, मैं आपको प्रूफ दूंगा। साथ में सब्सक्राइब भी करना, फिर ही केक मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना, और साथ में भाईजान को विश लिखना भी नहीं भूलना। भाईजान के बारे में आपकी क्या कहानी है टाइप कर दो, कर दो, कर दो। हैप्पी बर्थडे अगेन, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे सलमान खान।